तो इनक्रेडिबल विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर ऑफ तो जो लीन फेन है, लीन फेन भी हमारे एक मेट कटर साथ मिलकर सामने जो लाइफ एंड डेड बॉडी स्टेज का बंधन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो बंदा भी अटैक रोकता है, एक अटैक इनका काम नहीं आता। हमारा मेक कटर लीन फेन से कहता है, लीन फेन मेरे भाई तू ये काम यहाँ पे करेगा, जो अटैक तूने अभी अभी किया वापस से सेम पावर के साथ अटैक करेगा क्या? वो भी कहते यस भाई मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा भी। इतना बोल के करता है जी चेकअप, उसकी जो एनर्जी जो उम्र यहाँ पर ना उम्र कम हो जाती है, और देख सकते जो बाल ना वो बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। हाँ तो वो लाइफ और डेड स्टेज का बंदा नोटिस करता है कि बाप रे इसने दम लगा दिया, लेकिन इसकी पावर भी लगता है अब कम यहाँ पर हो चुकी है, तो इनको हरा सकता हूँ। लेकिन क्या उन दोनों को जो मेन टारगेट है ना ये बंदा तो नहीं था, वो प्रिंसेस यहाँ पे थी, तो प्रिंसेस पे अटैक करने के लिए पीछे बढ़ जाता है। तो आदमी बीच में आता है और प्रिंसेस की जान बचा लेता है, जिससे प्रिंसेस तो बच जाती है, लेकिन उस बंदे को लगता है उस बंदे की मौत वहीं पर हो जाती है। हाँ वो बंदा वहीं पर मर जाता है, और जैसे वो बंदा मरता है प्रिंसेस को आ जाता है गुस्सा कि भाई सालू तुमने इनकी जान निकाली, आज मैं तुम्हारी जान निकालूंगी, अगर मैंने तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं निकाली तो मैं अपना नाम यहाँ पे बदल दूंगी। हाँ तो सामने से क्या बोलते हैं भाई अपने कुछ और बंदों से कहती है सात बंदों से जाओ अटैक यहाँ पे करो। तो दूर से हमारा मेकटा लीन फेन यहाँ पे देखता है, और लीन फेन यहाँ पे कहता है कि वाओ सामने से भाई क्या एक दो नहीं बल्कि सात सात बंदे आ रहे हैं, हमने एक बंदे को हराया, एक बंदे को हराने में इतनी बैंड यहाँ पे बच गई, सात बंदे और आ रहे हैं, अब तो बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। तो मालूम है क्या सामने से हमारा मेकटा जोश यहाँ पे देता है कि टेंशन काहे को लेता, भाई हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे ना तो कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, दो अटैक करेंगे दो नहीं काम आएगा तो चार करेंगे, चार नहीं तो छह, छह नहीं तो आठ यहाँ पे करते रहेंगे। वो कहता भी बस मैं अटैक नहीं कर सकता, खाली तू ही अटैक कर सकता है। हमारा मेकटा भी ना अटैक करता, क्या मैं अटैक कर सकता हूँ, तू अटैक नहीं कर सकता, इतना थक गया क्या? उतने वो जो बाकी बंदे सामने आते और कहते अरे बाप रे यहाँ से हमको एक नहीं बल्कि दो दो कमाल का स्वॉर्ड डेंटेड यहाँ पे महसूस हुआ, जैसा लग रहा है जैसे कि भाई कोई कमाल के नाम दो स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर आ चुके जो कि यहाँ पे लड़ाई बड़ाई कर रहे, ऐसा कौन सा कमाल का स्वॉर्ड मास्टर आ गया? जहाँ तक हमको मालूम है ये जनरेशन में तीन सबसे कमाल के बंदे यहाँ पर है, एक यहाँ पे लीन फेन है, दूसरा यहाँ पे क्यून फेंग यहाँ पर है, और ली जैन नाम का भी एक लड़का यहाँ पर है, वो तीनों यहाँ पर है, वो तीनों में से दो यहीं पर है क्या? तो जैसे आगे जाते वही हमारे मेकटर को और लीन फेन को देखते कहते हो माय गॉड यार ये लड़का तो सच्ची में लीन फेन यहां पे निकल गया, हमारा क्यून फेंग यानी मेकटर आ गया था, और कहता लीन फेन मेरे भाई टेंशन मत लो मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, सिस्टम लिख गया था भाई बधाई हो अपने चूजन को पागल बना दिया, उसके दिल में अपने लिए फीलिंग यहां पे जगा दी, तो बदले में 1 लाख पॉइंट। और सारे बंदे भी देखते कह रहे बाप रे ये दोनों लड़के कितने टैलेंटेड, कितने बड़े, कितने स्ट्रांग यहां पर है। उसी बीच में ना ये सफेद बाल वाला लौंडा भी था जिसको हमने बहुत पहले देखा था, ये देखता क्यून फेंग का बच्चा जो सबका काटता वाटता यहां पे रहता है तो डर लग जाता है। इसके बंदे लोग कहते हैं मास्टर क्या हुआ आपको डर लग रहा है क्या? ये भी कहता है मुझे डर यहाँ पे भला काय को लगेगा, वो मनी मन ठान लेता है यस भाई कुछ भी हो जाए अपन इस वाले ना क्यून फेंग के बच्चे को हरा के रखेगा, मतलब हरा के ही रखेगा। उसके बाद मालूम है क्या होता है, दूर से बाकी बंदे भी कांड देख रहे थे, उसमें ये दोनों भाई बहन भी थे जिसको हमने बहुत पहले देखा भी था, तो सामने से भाई भी कहता है वो यार मानना पड़ेगा दोनों में क्या दम यहाँ पर है, बहन भी कहती है क्यून फेंग में बहुत ही दम यहाँ पर है, चलिए भैया हम जाकर उसको हेल्प करते। तो सामने से भाई कहता है पहले से इतना स्ट्रांग है तुझे क्या सच्ची में लगता है उसको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? बहन कहती जलन हो रही है ना आपको? तो भाई भी कहता है जलन मुझे भला क्या ही जलन यहाँ पर होगा, उतने में आसमान से देख सकते गोल्डन तीर यहाँ पर आते हैं, जो तीर है ना दुश्मनों को यहाँ पर लगता है और दुश्मनों की मौत यहाँ पर होती है। ये भी कंफ्यूज भाई किसने तीर यहाँ पे चलाया, इस लड़के ने तीर यहाँ पे चलाया। अगर आपको याद होगा ये लड़का भाई फैमिली का मेंबर था जिसको भाई फैमिली से निकाल के इसकी बेइज्जती मारे जा रहे थे, बोले जा रहे थे भाई कुत्ते जैसा भोग हम तुझे खाना यहाँ पे देंगे। तो हमारा मेकटर आता है इसको तीर का मान देता है, इसको बचाता है, ये वही लौंडा है हमारे मेकटर का एहसान मानते हैं इसलिए हमारे मेकटर को बचाने आ गया। पब्लिक भी देखते हो माय गॉड यार गोल्डन लेजेंड यानी उसने जो तीर का हमला यहाँ पे किया है के हिसाब से समझो वो गोल्डन लेजेंड कहा जाता है, और लगभग हर 1000 साल पे एक बंदा यहाँ पर आता है जो इतना कमाल का होता है और जिसको गोल्डन लेजेंड लोग यहाँ पे कहते हैं जो कि ऐसी ऐसी डिग्री तैयार कर सकता है। तो सामने से ये जो लड़का यहाँ पे था ना भाई सफेद बाल वाला वो चौंक जाता है भाई, जहाँ तक मुझे याद है कल्टीवेशन बेस बर्बाद कर दिया गया था, भाई फैमिली ने निकाल दिया था, कुत्ते से बेकार इसकी जिंदगी हो गई थी, आज ये गोल्डन लेजेंड यहाँ पे बन गया ऐसे कैसे? वो लड़का आ जाता हमारे मेकटे के सामने और प्रिंसेस के ऊपर ऐसा तान लेता तीर कमानो, कहते साली तो मेरी मालिक की जान यहाँ पे निकालेगी, रुक मुझे तेरी जान निकालने दे। हमारा मेकटर रोक देता, कहते बच्चे यार ऐसे भी किसी पे तीर मत कमान ले उसको मारने के लिए, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं बस उसकी ले रहा हूँ, उसको देखो कितना गुस्सा यहाँ पे आ रहा है, जब वो गुस्सा करती गुस्से के मेरे ऐसा दांत करती है ना तो भाई मजा आ जाता उसको देखकर, ऐसा कान में धीरे धीरे बातें बता रहा था। प्रिंसेस भी देखती है उसको भी ऐसा गुस्सा ही आ रहा था कि यार यार आदमी आई डोंट नो मेरे बारे में और क्या गंदी गंदी बातें उसको बता रहा होगा। अब यहाँ पे आते भाई दूसरी ओर जहाँ पे फाड़ चलो था सिटी लॉर्ड और साथ ही में हमारा जो था ना ऑल
वर्ल्ड चेंजिंग डेमन उसके बीच में हाँ तो फाइट वाइट यहाँ पे हो रही थी और फाइट के अंदर वो सिटी लॉर्ड को हरा देती है। सिटी लॉर्ड भी कहता है कि अरे बाप रे भाई तुम इतना जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बन सकते हो यार, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। जो सुनते सामने से वो भी यहाँ पे कहते हैं कि नहीं भाई पॉसिबल यहाँ पर है, मालूम है कैसे मैं स्ट्रॉन्ग बन गई, क्योंकि भाई मैंने अपने मालिक को फॉलो यहाँ पे किया था, मालिक ने कमाल का मुझे स्लेव मार के यहाँ पे दिया, उसके अलावा एक और बढ़िया सा मौका यहाँ पे दिया था किसी के लेने की, जिसकी वजह से भाई मैं ऐसी यहाँ पे बन गई। तो सामने से सिटी लॉर्ड जो से हमला करता है उसको दूर करते हो, कहते दूर जाओ यार ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी बकवास मत करो। तो अपनी एक टेक्निक यहाँ पे ऐसा एक्टिवेट यहाँ पे करती है जिसको ब्लू इंचैटमेंट यहाँ पे कहा जाता है, जो देख के पब्लिक कहती है एक सेकंड ब्लू इंचैटमेंट यार ये टेक्निक इसको ऐसे कैसे मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 1000 साल पहले कमाल का डेमोन यहाँ पे पैदा हुआ था, उसके पास भी ऐसा चेंज करने की एबिलिटी यहाँ पे थी, उसको भी और चेंजिंग डेमोन यहाँ पे कहा जाता था, क्योंकि यार वो लड़का था लेकिन वो भी ऐसी ऐसी लड़की बनता था ना कि भाई अच्छे से अच्छे सख्त से सर लौंडे ना पिघल यहाँ पे जाते थे, ये उसी की टेक्निक यहाँ पे थी, उसकी टेक्निक इसको यहाँ पे मिल गई। ये सिटी लॉर्ड भी कहता है कि हाँ भाई इस टेक्निक का इनहेरिटेंस तुझे मिला। जो सुनने और चेंजिंग डेमोन कहता है सही जवाब, आपने सही जवाब यहाँ पे दिया, बदले में आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, बदले में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पब्लिक यहाँ पे कहती है ओ माय गॉड यार ऐसा मौका मुझे मिल जाएगा ना तो भाई मुझे भी लेना है, भाई मुझे कैसा यहाँ पे मिलेगा। सामने से वो कहती है भाई तुमको ये मौका बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, ये लो, इतना बोल के सब पे हमला करती है। उस लॉर्ड के पास आती है, लॉर्ड से कहती है तेरे सारे बंदे को जहाँ से मार डाला अब तेरा क्या होगा कालिया, हार मान जा बेटे। सामने से वो भी कहता है यार मैं हार यहाँ पे मानता हूँ, यार मैं सच्ची में हार यहाँ पे मानता हूँ, लेकिन सामने से भाई कैसे क्यों यार तुमको ये पावर वावर मिल गया, इनहेरिटेंस यहाँ पे मिल गया, तुमने ऐसा यहाँ पे क्या किया, किसके साथ किया, कुछ तो बताओ यार। सामने से जो सुनते ये कहती भाई मैं यहाँ पे क्यों बताऊँ, मैं नहीं बताऊंगी। तो पीछे से जो सफेद बाल वाला बंदा यहाँ पे था ना वो कहता वो समझ गया ये पक्का फांग चांग यहाँ पर होगा, तो ये भी ऐसा कन्फ्यूज फांग, अरे हाँ लेकिन ये बात तुमको कैसे आइडिया लगा। सामने से वो कहता है फांग चांग, यस फांग चांग है ना, ये भी कहती हाँ मुझे उसकी लेनी पड़ी, ऐसा नहीं कि मैं लेना चाहता था लेकिन भाई ले मैंने लिया, उसके लेने से मुझे ज्यादातर यहाँ पे फायदा वायदा मिला है। हमारे मेकअट अभी देखता कि यहाँ पर पब्लिकली बता रही कि इसने फांग के लिए, अब क्या ही कर सकते, जो था वो था। सामने से वो सफेद वाला बंदा भी कहता यानी सच्ची में इसने फांग के ले लिया, वाओ इसने भी क्यों फेंको फॉलो यहाँ पे किया, फांग के लेने का मौका मिला, और देखो भाई ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो जो लड़का था भाई फैमिली का नहायत ही बेकार यहाँ पे था, कल्टिवेशन बेस भी बदला नहीं था, और जो गोल्डन लेजेंड यहाँ पे बन गया सचिन, मैंने उसको फॉलो किया रहता ना तो आज मैं भी कमाल का बनता, मेरी जिंदगी ऐसी नहीं हुई होती। हमारे सिस्टम में यहाँ पे लिखे आता भी बधाई हो कि आपने चूजन वन का ऐसा दिल पे चोट पहुँचा दिया, और आई डोंट नो भाई पहले वो जो लड़का था ना वो विलन यहाँ पे था हमारे मेकअट जैसा, अब सिस्टम यहाँ पे चूजन वन कह रहा है, शायद हो सकता है सिस्टम के राइटर भी नशे होंगे। ये भी कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसको लग रहा है रखने लो पॉइंट तो आपको यहाँ पे मिलता है, ये कहते यार ऐसा करके आपने जो ना उस चूजन वन की काफी अच्छे से धज्जी उड़ा दी, तो बदले में आपको स्पिन मारने का मौका मिलता है। ये भी कहता है स्पिन विस्पिन नहीं चाहिए, रिवॉर्ड कोई रिवॉर्ड है क्या, सिस्टम शांत, ये भी चलाता कोई और रिवॉर्ड यहाँ पे देता नहीं है, खाली स्पिन मारने को देता है, और स्पिन में भी हमेशा स्वॉर्ड ही देता है, चल ये ला यार स्पिन मार भाई स्पिन मार, तो स्पिन मारा जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई इस बार भी स्वॉर्ड से रिलेटेड कुछ मिलता है, ये कुछ नया मिलता है, जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।